नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों के एक दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दे हैं, उन पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय अलग अलग छात्र संगठन के लोग हैं, ABVP, NSUI, ISA और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ विश्वविद्यालय के मुद्दे, जिस दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति जो देश की राजनीति से भी बहुत ताल्लुक रखती है, सबकी नज़रें रहती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों में, उनसे बात करने के लिए हमारे पास ABVP के साकेत भावगना जी हैं। साकेत जी, जो इस बार का दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव है और दो दिन पहले JNU के परिणाम आए हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ABVP यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से अपना बढ़ा रहा है, आप JNU की हार को हार की तरह देखते हैं या कैसे देखते हैं? ठीक है, JNU में तो निश्चित रूप से ABVP का वोट बहुत बड़ा है और ABVP का सपोर्ट भी स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमने देखा कि JNU में जहाँ की जो लेफ्टिस्टों का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर आज ये स्थिति है कि उनको सभी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है केवल ABVP को हराने के लिए। तो आज JNU में ABVP सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सेंट्रल पैनल की चारों पोस्ट में मिलाकर 4000 से ज़्यादा वोट मिला है। ABVP सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 10 काउंसिलर्स हैं 31 में से। तो आज की डेट में ABVP JNU में इतनी डोमिनेंट और पावरफुल फोर्स के रूप में उभरा है और JNU के विद्यार्थियों के बीच में एक फेवरेट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा है, जिसकी वजह से सारे लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले आपस में लड़ते थे, आज वो मिलकर केवल ABVP के खिलाफ चुनाव में है। तो अपने आप में ये एक नैतिक जीत है विद्यार्थी परिषद की, ये एक मॉरल विक्ट्री है ABVP के लिए। एक और सवाल, एक आरोप है कि ABVP जिस तरह से DU में चुनाव लड़ती है और जिस तरह से JNU में चुनाव लड़ती है, उसमें बहुत फर्क है। जैसे DU में एक मनी मसल की राजनीति का हमें स्वरूप देखने को मिलता है, JNU में वो नहीं मिलता, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ये दो अलग तरीके। देखिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के तो बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखिए, ABVP का जहाँ तक प्रश्न है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक 51 कॉलेज और डिपार्टमेंट का 1.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी वोटर हैं, जहाँ पर पूरी दिल्ली में ये कॉलेजेस फैले हुए हैं, तो एक बड़ा चुनाव है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा चुनाव देश में और कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं है। जहाँ तक JNU की बात रही, JNU एक कैंपस है, क्लोज्ड कैंपस है, जहाँ पर सभी विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी हॉस्टल्स में रहते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और लोकल तीनों प्रकार के मुद्दे चलते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव अपने आप में एक यूनिक चुनाव है। समस्या ये है कि DU के चुनाव में लिंगदो कमेटी के रिकमेंडेशन को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, मुझे लगता है इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक है। आप एक कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले को भी कहते हैं कि 5000 रुपये में चुनाव लड़िए और पूरे विश्वविद्यालय के 51 कॉलेजेस का जो प्रेसिडेंट बनने वाला है उसको भी आप कहते हैं 5000 रुपये में चुनाव लड़िए। आप पूरे कॉलेज का, जो एक कॉलेज का चुनाव विद्यार्थी लड़ता है, उसको भी 2 दिन देते हैं कैंपेनिंग के लिए और जो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 51 कॉलेज और डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसको भी आप केवल 2 दिन देते हैं कैंपेनिंग के लिए। वो कोई सुपरमैन तो है नहीं कि वो यहाँ 51 कॉलेजेस को 2 दिन में कवर कर लेगा। मुझे लगता है DU का जो मॉडल है अभी चुनाव का, उसमें सुधार की आवश्यकता है। ये धन बल, बाहुबल और सत्ता बल की जो कांग्रेसी नीति वर्षों से रही है, उसका ही परिणाम है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव मसल पार, मनी पार का चुनाव बन गया है। और लेकिन इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत इंटेलिजेंट है। हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे मुंह की खानी पड़ी जब वो यहीं पर अपना धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का उपयोग कर रहे थे, जब हमारे कॉलेज कैंपसेस के गेट्स पर MLA और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता खड़े हुए, तो उनको मुंह की खानी पड़ी और आज वो रण छोड़कर भाग चुके हैं पूरी तरीके से। आज उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव दोबारा लड़ सकें। इसलिए DU के जागरूक वोटर्स के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से भी अनुरोध करते हैं, आप सभी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाइए, आप सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, चर्चा कीजिए कि कैसे DU के चुनाव से ये जो वाइसेस आ गई, ये जो बुराइयां आ गई बीच में, इनको ठीक किया जाए और DU का चुनाव भी ठीक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, विचारों पर आधारित राजनीति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो। इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी और दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन भी इसमें कार्रवाई करें। धन्यवाद साकेत, आपको कैंपेन में व्यस्तता के कारण यहाँ से डिबेट से जाना पड़ रहा है, बट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कंवल DU की ISA यूनिट प्रेसिडेंट है। कंवल, ये जो मनी मसल राजनीति को साकेत ने स्टेटमेंट दिया और लिंगडो कमेटी से जिस तरह से इसको जोड़ा है, उसे ISA के बतौर आप किस तरह से देखते हैं? लिंडो कमेटी के जो भी गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपली तो ISA उसका अपोज करता है, क्योंकि जब लिंडो कमेटी का गाइडलाइन आया था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पूरी तरह से कर्ब करने के लिए वो लाया गया था। लेकिन हम लोग बिल्कुल, जो अपने कैंपस में ABVP और NSUI दोनों छात्र संगठन हैं, दोनों के पास खूब पैसा है और कैंपस को जिस तरह से कूड़ादान बना दिया, उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो भी गाइडलाइन है उसको, अभी तो वो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और उनसे
जो इलेक्शन कमिश्नर है उनसे हम लोगों ने बहुत बार मेमोरेंडम सबमिट किया और उनको पूरा दिखाया कि देखिए किस तरह से खुला इसको वायलेट किया जा रहा है। आज कैंपेन कॉलेज के अंदर कैंपस में नो कैंपेन डे है, लेकिन आज भी सामने हम लोग कैंपस में चले जाएँ तो बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा AVP का, NSUI का पोस्टर्स हमको नज़र आएगा। और इस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ना कोई कार्रवाई की है, ना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक फ्री हैंड दिया जाता है कि आप जाइए, सारे रूल्स को वायलेट करिए, सारे कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जिस तरह से बात किया जा रहा है कि कैंपस बहुत बड़ा है, बिल्कुल कैंपस बहुत बड़ा है और दो दिन जो कैंपेन का मिला है ये बहुत कम है। तो इसके लिए एक हम लोगों की तरफ से कमिश्नर को ये सजेशन दिया था कि आप कैंपेन दिन को थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन इसका एक ही मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक MP MLA का चुनाव बना देंगे जहाँ पर इतना बड़ा बड़ा 50-50 गाड़ी कैंपस के अंदर घूम रहा है, कितना अनसेफ कैंपस को बना दिया। देखिए अभी ABVP ने एक छात्र यहाँ पर एक उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम अपने कैंडिडेट्स जो आए थे वो अपना मनी मसल पार्क को डिस्प्ले कर रहे थे। एक कैंडिडेट 50 गाड़ी के साथ आया, तो वो गाड़ी भी कोई छोटी मोटी नहीं, SUV हमर BMW की गाड़ियाँ थी। और उसमें से जितना भी लोग कैंपस में उस गाड़ी में बैठा हुआ है एक भी DU का स्टूडेंट नहीं था, सारे कहीं बाहर के लोग हैं जो DU के अंदर आकर कैंपस को कूड़ादान बना रहे हैं और इसको एक अनसेफ कैंपस बना रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं लगातार DU के अंदर पोलिंग रेट जो है, वो वोटिंग परसेंटेज है, वो कम हुई जा रहा है, क्योंकि कैंपस में एक स्टूडेंट जो है कॉमन स्टूडेंट इतना ज़्यादा अग्ली डिस्प्ले ऑफ मनी मसल पार से एलिनेट फील करता है कि वो वोट देने नहीं आता, एक आम स्टूडेंट आकर वोट नहीं देगा। इसीलिए हम लोग अभी फिर से एक आज इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे कि किस तरह से खुला वायलेशन कोड ऑफ कंडक्ट का हो रहा है और वो इस चीज़ को देख नहीं रहे। और ये चुनाव DU का कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी कैंपस में जो आउटसाइडर आया है गुंडागर्दी कर रहा है, अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं, ये जो जितना भी ABAP NSUI का कैंडिडेट है, हम लोग को कहीं पे भी कॉलेजेस के अंदर हमारे कैंडिडेट ID कार्ड लेकर जा रहे हैं, गेट पास लेके जा रहे हैं, उनको एंट्री नहीं मिला। तो ये कैंपस में अभी इस माहौल में फेयर इलेक्शंस तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक आम स्टूडेंट से के हम लोगों को भरोसा है कि वो इस बार आएंगे और इस जो कैंपस में वायलेंस हो रहा है उसको रिजेक्ट करेंगे। थैंक यू कवल। हमारे साथ पारुल है, पारुल आयसा से कैंडिडेट है। हमने ABVP के कैंडिडेट रजत और महामेदा दोनों को अप्रोच करने की कोशिश की थी पर दोनों ही कैंपेन में व्यस्तता के कारण हमारे साथ जुड़ नहीं सके। पारुल, आपके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5 गर्ल्स कॉलेजेस हैं जो दूसरों में वोट कर सकते हैं, बाकी कॉलेजेस नहीं वोट कर सकते, आप उसके लिए क्या करेंगी या आयसा की क्या प्रणाली है? आयसा की क्या मतलब इस प्लानिंग को लेकर प्लानिंग है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि जितने नॉन डोसू कॉलेजेस हैं गर्ल्स के, लाइक LSR देख लीजिए, कालिंदी कॉलेज देख लीजिए, DRC देख लीजिए, हम लोग मतलब एक मेमोरेंडम टाइप का होता है, रेफरेंडम होता है कि कॉलेज के मैक्सिमम बच्चे उस एप्लीकेशन पे साइन करके दें और अपील करें कि हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज जो है वो DUSU के अंदर आए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग कैंपेन चलाएंगे कि जितने भी नॉन DUSU कॉलेज हैं वो DUSU के अंदर आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं वो अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, उनको जिस तरीके से वो फेस करती हैं अगर वो इवनिंग कॉलेजेस में भी हैं तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने में आता है कि किस तरीके से ईव टीजिंग की प्रॉब्लम उनके साथ होती है। तो मतलब गर्ल्स कहीं ना कहीं इस चीज़ से, सिस्टम से जो कैंपस का इलेक्शन है और इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, तो ये चीज़ गलत है। हम लोग चाहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गर्ल्स कॉलेज का भी DUSU लेवल। पारुल, एक और चीज़, ये आयसा का जो भी राजनीति है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में करना क्या आपको लगता है कठिन हो गया है पहले से, और रामजस विवाद के बाद आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? कठिन तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बिल्कुल भी, कठिन बस कठिन नहीं बोलूँगी, बस चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग क्या करें भाई, 70-80 गाड़ी नहीं है कि हर कॉलेज में 10 गाड़ियाँ भेज दें कि इलेक्शन का प्रचार हो जाए, हम कॉमन स्टूडेंट हैं जो पढ़ने आते हैं। दूसरी बात, आपने रामजस वाले इशू की बात की, तो रामजस में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद करीबन हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो आयसा से जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्दा था उनकी आंखों पे ABVP के लिए कि हाँ भाई ये लोग की वॉयलेंस नहीं करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हैं, ये सब कुछ हटाए, क्योंकि उनके साथ खुद वो चीज़ हुई है, हम पिटते हैं आप पिटते हैं क्योंकि ABVP मारता है हमको, तो इसीलिए ये पर्दा हटा है और आने वाले 12 तारीख को वो चीज़ सामने आई जाएगी। और कहीं ना कहीं रामजस के इंसिडेंट के बाद छात्र जो है वो अवेयर हुआ है, उसे पता चला है कि किस तरीके से वॉयलेंस और गुंडागर्दी इस कैंपस में जो लोग करते हैं उनको इस बार नकारना है, उनको इस बार वोट नहीं देना है, उनको इस कैंपस से आउट करना है। आप ABVP से UP प्रमुख हैं, प्रदेश प्रमुख हैं, आप इस बात का किस तरह से देखते हैं कि जो भी रामजस विवाद में हुआ, रामजस कॉलेजेस में हुआ, छात्रों का बहुत बड़े आरोप है कि ABVP ने
मारपीट किया या जो भी कुछ हुआ, आप उस पर अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या जवाबदेही रखते हैं? विद्यार्थी परिषद 365 दिन कैंपस में काम करने वाला एक ऐसा छात्र संगठन है जो देश को राष्ट्र के लिए सोचने वाला छात्र संगठन है। मैं रामजस की घटना के बारे में इनको खुल के बता देना चाह रहा हूँ। देश के अंदर जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा और पाकिस्तान के समर्थन की बात करेगा, उसको एक बार नहीं हजार बार मारेंगे। और ये JNU के अंदर दिखा दिया इस बार विद्यार्थी परिषद की जो प्रतिनिधि को जो वोटिंग मिली है वो इस बार दिखा दिया कि कहीं ना कहीं लेफ्ट बौखलाई हुई है कि इतना ज़्यादा वोट मिल कैसे गया इतना सब कुछ होने के बावजूद। ये हम आयशा के उस नीति पर नहीं चलते कि गांजा लाओ चरस लाओ इन सब चीज़ों का और विरोध करते हैं। विद्यार्थी परिषद इस बार भी DSU में भी दिखा देगी, DSU में भी दिखा दी। अभी लगातार चार वर्षों से जीती आई, पांचवी बार में हम लोग जीत रहे हैं। ये इन लोगों की बौखलाहट है कि पर्दा खुल गया, ये इनके मुख इनके चेहरे से नकाब हट चुका है। ये ऐसा वालों को सोचना कि आगे कौन सी नई रणनीति लाए देश को तोड़ने की बात करें। जितने बार देश तोड़ने की बात की जाए उतनी बार ये लोग पिटने वाले, चाहे वो कोई भी हो। देश तोड़ने की बात करें उतने बार पिटेगा, कैंपस में घुट के पीटा जाएगा। भारत माता की जय। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक समय था आज से 4-5 साल पहले जब NSUI की सीट आती थी, इतनी ज़्यादा जीतती थी। NSUI का JNU में जिस तरह से नोटा से भी कम वोट था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना इतने समय से चुनाव हारना, इसका क्या कारण लगता है राष्ट्रवाद के द्वारा? सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर JNU में नोटा की बात करी जा रही है तो विद्यार्थी परिषद के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए, जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में IVP नोटा से भी पीछे है। और जहाँ तक अगर आयशा और लेफ्ट पार्टी अगर बात करती है नोटा की, तो लास्ट ईयर का जो DSU का प्रेसिडेंट पोस्ट पर कवलप्रीत कौर जी जो मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं, ये खुद लड़ी थी, इनकी वोट 5600 आई थी और नोटा की 5500 वोट थी। ये तो बात रही नोटा की। और जो अगली बात आपने करी कि NSUI जिस तरीके से पिछड़ी है, आपको बताना चाहूँगा NSUI की 2012 के अंदर हमारी 4 सीटें थी, उसके बाद 2013 से हम 1 सीट पर आए और 2 साल तक जो हमारा खाता भी नहीं खुल पाया, वो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद से लोग एक बरगलाकर झूठ बोलकर जिस तरीके से छात्रों को जोड़ना चाहा, उसके साथ जिस तरीके से NSUI ने पिछले साल वापसी करी, 1 सीट हम लोग जीत कर आए। अगली बात, JNU के अंदर 12 साल बाद हमारे 2 काउंसलर हाईएस्ट वोट के साथ जीत कर आए। तो 12 साल बाद जो NSUI ने काउंसलर की पोस्ट पर वापसी करी, पहली बात है वो। अगली बात जो इन्होंने कही कि AVP ऐसा छात्र संगठन है जो 365 दिन राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बातें करता है, तो ये लोग शायद झंडा फहराना भूल गए थे और अब इन लोगों को थोड़ा तिरंगा प्रेम ज़्यादा दिख रहा है। और वो बात बहुत छोटी सी बात हो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर ये लोग झंडा फहराना नहीं भूले थे और रामजस की जहाँ तक वारदात हुई, जितनी भी फोटोज वायरल हुई उसी के अंदर वही लोग मारते पीटते भी क्यों नजर आ रहे जिनको आज टिकट मिली है UP से। महामेधा नागर को इन्होंने टिकट क्यों दी जबकि सबके सामने वो उसको मार रही थी? अगली बात आपके सामने, रामजस के अंदर जो भी वारदात हुई, क्या आज के अंदर कोई भी उसके अंदर दोषी पाया गया? क्या JNU के अंदर कोई भी दोषी पाया गया? तो ये एक सरासर एक प्रोपोगेंडा होता है। 2 एक्सट्रीम पार्टियाँ जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करती हैं, यहाँ पर कोई प्रोग्रेसिव सोच की बात नहीं करता है, यहाँ पर कोई लेनिन की सोच डिस्कस कर रहा होता है, कोई स्वामी विवेकानंद और मोदी को लेकर आ रहा होता है, लेकिन NSUI सिर्फ एक लौती ऐसी पार्टी है जहाँ पर बात सिर्फ छात्र हितों की करती है। हम लोग यहाँ जॉब फेयर की बात करते हैं, सेमिनार की, वर्कशॉप की बात करते हैं, छात्रों के करियर की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर ना तो राम मंदिर कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं और ना ही यहाँ पर एक नेशनलिज्म के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। हाँ, एक डिबेट होना चाहिए बिकॉज यूनिवर्सिटी ऐसा कैंपस है जहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं होती, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ छात्रों को अपने प्रोपोगेंडा पर बरगलाकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हो, ना कि आप छात्रों के लिए काम कर रहे हो। ABVP के लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आप लोग पूरे साल भर छात्र हितों की बात करते हो। छात्र हितों की बात आपने पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 3 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी पदाधिकारी को आप लोगों ने हॉस्टल अकोमोडेशन की एक भी लेटर लिखा हो तो आप मुझे वो लेटर दिखा देना बस, ठीक है? अगली बात, प्रियंका चावड़ी DSU वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्राइवेट PG और प्राइवेट हॉस्टल्स को एंडोर्स करते हैं। अपने लेटर पर वो लिख के रहते हैं कि इस नानू गर्ल्स PG कमलानगर को हम लोग एंडोर्स कर रहे हैं। ये लोग नॉर्थ कैंपस के अंदर ये लोग प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को एंडोर्स करते रहते हैं, उनके स्टॉल्स लगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप सब लोगों के सामने है, जब 26 लाख रुपए का DSU का बजट है और उसके अंदर 22 लाख रुपए की अगर कोई चाय पीता है, 22 लाख रुपए कोई जेरोक्स करवाता है, मेरे हिसाब से उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर हम लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं। वो लोग उस चीज़ के लायक नहीं है कि वो आज हमारे बीच में खड़े होकर इस बारे में बात कर सके। क्या यहाँ पर आम सप्लायर्स ही लोग DSU प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठेंगे? क्या आज यहाँ पर जो प्राइवेट गर्ल्स PG को एंडोर्स करेंगे वही बैठेंगे? क्या वही लोग बैठेंगे जो आम छात्र छात्राओं को डंडे से भारत माता की जय बोलते हैं ये लोग? और उसी भारत माता की जय के लिए आपको बताना चाहूंगा, भैया यूपी से हो ना, यूपी के एक मंत्री को जानते हो, मिस्टर ओलक, उनका लड़का यहाँ पर लड़कियों के कपड़े फाड़ के उनको मारता है, उस पर केस सर्राज की तारीख में 30 जारी कोर्ट में, और उस आपके यूपी के मिनिस्टर मिस्टर ओलक को वंदे मातरम गाना नहीं आया था,
जो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। अगली बात इनको आपको बताना चाहूँगा, जो लोग वंदे मातरम गाते नहीं और जोर से चिल्लाते वंदे मातरम भारत माता की जय, एक बार वंदे मातरम किसने लिखा था बताना एक बार। क्या यार क्यों अपनी ऐसे वो कराना चाहिए, जो पूरा जिसको चाहो वो सुना दूंगा। ये चीज़ आपके सामने होगी, आप देखो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं बोलूंगा, ये आपके सामने हो गया ना। आगे बात, आगे बात, आगे बात, भाई बड़े भाई कोई करनी, आप हमारे स्टेट के मेहमान हो, आप हमारे स्टेट के मेहमान हो, हम आपको तहे दिल से वेलकम करते हैं। अगली बात हमारी पार्टी ने, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी जिस पार्टी के ऊपर आरोप है आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, बात करके एड्रेस कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है आपके ऊपर, आपके पास 22 लाख रुपए की सफाई है। नहीं नहीं ठीक है, मैं सवाल, आपने आरोप लगाया, मैं सवाल पूछूंगी, मैं जरूर बिल्कुल पूछेगा। देखो आप बात करेंगे, ये 22 लाख रुपए का ये जो घोटाला है चाय कॉफी और फोटो स्टेट से, उस पर बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। देखिए ये कोई घपला नहीं है, जो है वो सब कुछ सामने है, और विद्यार्थी परिषद को डूसू के अंदर लगातार भारी समर्थन जो आम स्टूडेंट्स का मिलता रहा है, इसकी वजह से जो बाकी संगठन है चाहे वो NSUI हो चाहे वो ISO हो, ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। वो ऑफिशियल लेटर है भाई, आपके अध्यक्ष ने उस पर साइन करा है। आपने बोला इन बोले जो लोग इस बात को मतलब कर रहे हैं, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि जी जा जी, कोलगेट जी, कोयला घोटाला, जो दुनिया भर के घोटाले हुए हैं, यूनिवर्सिटी के मुद्दे तो भाई यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे पूरी बात बताता हूँ। उन घपलेबाजों को जो उनके साथ खड़े हैं, उन घपलेबाजों को हम कोई हिसाब नहीं देने वाले हैं। जो हमने किया है वो छात्र हितों के लिए किया है, चाहे वो प्रिंटिंग मार्कशीट का मुद्दा हो, चाहे FIUP को रोल बैक कराने वाली बात हो, हमने स्टूडेंट्स के साथ मिलके हमने, और हम कॉलेज टू कॉलेज जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि जो काफ़ी स्टूडेंट्स है, जो कॉमन स्टूडेंट है, उसको ABUP को उसका भारी समर्थन मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये बौखलाए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। मिरांडा में बहुत भारी समर्थन मिला ABUP को, हम सब देखे ना, मिरांडा देख लिया, समर्थन जिसको देखे देखे। एक मिनट एक मिनट, राजा चौधरी आपका बहुत सारा फेसबुक पे पोस्ट देखा, प्रेस रिलीज देखा कि आपको बहुत डराया धमकाया गया है नॉमिनेशन में, आपके लिए इलेक्शन बहुत रणनीति बहुत कठिन रहा है ये मैदान, आप इस पे क्या आरोप है आपका और क्या जवाब है? देखिए आरोप किसी के ऊपर कुछ था नहीं, मेरा अभी भी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप है नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर में किसी को चुनाव अगर लड़ना है और उसके पास विजन है, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छे ख्यालात हैं, तो क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर में वो चुनाव लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पे नहीं था, और लेकिन आज बजाबते मुझे ये कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से मैं नॉमिनेशन कैंसिल किया गया और जिस प्रकार से मुझे 2 घंटे के लिए किडनैप किया गया, मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि ABUP छात्र संगठन है जिसने मुझे 2 घंटा के लिए किडनैप किया, 5 लाख रुपया देने का ऑफर किया और तमाम सारी चीज़ों से धमकाने की कोशिश की। मैं उनके खिलाफ नहीं था, मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था और बोल रहा था कि लिंगदो कमेटी के पूरी बातों को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि 5000 के अंदर में पूरी यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा जाता है। लिंगदो कमेटी में जो जो बात बोली गई है, NGT में जो बात बोली गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंसिल में जो बात बोली गई है, उसको सारी तरीके से मानता हूँ और एक आइडियल तरीके से चुनाव हम लड़ रहे थे, लेकिन इन दिनों में जो घटना घटी है तो उससे मुझे, आप देख रहे होंगे पूरे डिबेट में कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहा है, कोई रामदास का मुद्दा उठा रहा है, और तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीम पॉलिटिक्स को एक एक्सपेरिमेंट के लिए लैब बना दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब आप वोट डालने जाते हैं उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट और बैलेट नंबर होता है, तो क्या इस कैंपस में स्टूडेंट चुनाव लड़ते हैं या ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ते हैं? एक सवाल है, लिंगदो कमेटी में कहा गया है कि 25 साल के बाद जो कैंपस के स्टूडेंट नहीं हैं वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, अगर कैंपेन करते हैं तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तमाम सारे लोग जो देखेंगे कोई भी कैंपस से नहीं है, ये लोग बाहर से आए हैं और कैंपेन कर रहे हैं, कैंपस से हैं लेकिन आप कैंपस से हैं, जो आपके जो साकेत बोना जो आए थे 25 साल के बाद है वो कैंपेन नहीं, वो भी कैंपस से हैं, जो कैंपस से हैं उनके लिए ठीक बात है, लेकिन आपने जो इंटरव्यू जो वोट लीड
डाल सकते हैं, वोट डाल सकता हूँ मैं, बोल रहा हूँ ना साकेत बहुमना जी वोट नहीं डाल सकते आपको पता हो जाए तो पीएचडी का मतलब है तो छात्र ना तो वो नहीं कर सकते कैंपेन लिखो कमेटी जाके पढ़ लीजिए ठीक है नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिए कैंपेन क्यों नहीं कर सकते कैंपेन तो नहीं कर सकते लिखो कमेटी में लिखा गया नहीं पता तो पढ़ लीजिए जाकर सब कुछ पढ़ा हुआ है आप पढ़िए पहले जाकर मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ मैं 100 बार पढ़ा हूँ मैं देखिए मुझे चुनाव लड़ना है यूनिवर्सिटी में आप कितना भी धमका लीजिए कुछ भी कर लीजिए चाहे मेरे साथ कोई खड़ा होना हो लेकिन कॉमन स्टूडेंट खड़े हैं और मैं चुनाव यूनिवर्सिटी में लड़ूंगा अपने मुद्दे के साथ जाऊंगा और 5000 के अंदर मैं चुनाव लड़के दिखाऊंगा पेपर लेस कैंपर करके दिखाऊंगा और जो आइडियली तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होती है उसको करके दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी में किन्हीं डेमोक्रेसी में राइट है और कोई रोक नहीं सकता है ठीक है और इसके लिए अभी नहीं बस एक सवाल और क्योंकि यहाँ पे अभी एबीवीपी एनएसयूआई और आयसा तीनों के कैंडिडेट तीनों के लोग हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे हमारे साथ नहीं नहीं आपके अलावा एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे थे जो शायद अभी नहीं है हम मैं आप तीनों से बस एक आखिरी सवाल कर रही हूँ आयसा के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो एबीवीपी और एनएसयूआई में नहीं है और जो आयसा अगर आती है इस बार दूसरे के चुनाव में तो वो पूरा करेगी कंवल और पारुल दोनों ही जवाब दे सकते हैं देखिए आयसा के मैनिफेस्टो की जहाँ तक बात की जाए तो अभी तक एनएसयूआई एबीवीपी यूनियन में रहा है और दोनों जब तक यूनियन में रहा है जीरो अचीवमेंट यूनियन है हम विद्यार्थी परिषद से देखें या एनएसयूआई से देखें दोनों के ही नेता प्राइवेट पीजीज का एडवर्टाइज करते हुए हमको दिखता है और अपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बेखूबी डालते हैं कि हम लोग अकोमोडेशन को प्रोवाइड करेंगे एनएसयूआई के लीडर्स अपर्णा पीजी का एडवर्टाइजमेंट करते दिखते हैं और प्रियंका चावड़ी किसी और नानू पीजी का एडवर्टाइजमेंट करते दिखते हैं आयसा का मैनिफेस्टो एक आम स्टूडेंट का मैनिफेस्टो है जो सबसे पहले तो बोलता है कि कैंपस एक डेमोक्रेटिक स्पेस है कैंपस में आप बात करिए कैंपस में सोच पे कहीं पे पहरा नहीं होना चाहिए तो गुंडागर्दी फ्री कैंपस हमारा सबसे मुख्य इस बार एक इशू है दूसरा कि कैंपस में एक पैन यूनिवर्सिटी जेंडर से लो क्योंकि दोनों का यूनियन रहा है हमने तो इस लेवल पे भी कहीं पे कोई अचीवमेंट नहीं देखा हम लोग डिमांड करते हैं कि एक जीएस कैश हो जिसके अंदर एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर कोई हैरेसमेंट को रिपोर्ट करने जाता है तो वही एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उस कंप्लेन कमेटी ग्रीवेंस कमेटी में बैठा होता है बाकी हम लोग ये देख रहे हैं लगातार जो भी कॉलेजेस वुमेन कॉलेजेस हैं मैं खुद मानती हूँ मैं खुद आईपी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है जो कि एक नॉन डूसू कॉलेज था हम मानते हैं कि जो डूसू है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट और कॉलेजेस आते हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव मेल और मैस्कुलिनिस्ट मॉडल को प्रमोट करता है जहाँ पर 15 से भी 20 से भी ज़्यादा वुमेन कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते उनका कोई से नहीं होता तो हमारा मेन इस बार मुद्दा ये रहेगा कि हम उन कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन इसमें ला सकते क्योंकि हमने देखा है जहाँ पर लड़कियों का जो कॉलेज है आप मिरांडा हाउस का बात करें तो एक महामेधा नागर वहाँ पर जाती है और उनको बोला जाता है कि एबीवीपी नहीं चाहिए हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए और वहाँ पर आयसा के लिए वापस स्टूडेंट्स कॉमन स्टूडेंट नारे लगाते हैं तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कॉमन स्टूडेंट और वुमेन स्टूडेंट का से है वो कैंपस की इस पॉलिटिक्स में होता ही है तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन इस बार मिले ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मेजर कंसर्न है क्योंकि हम आम स्टूडेंट हैं हम कोई गाड़ी में तो घूम नहीं रहे जो भी दोनों कांग्रेस और बीजेपी के नेता आते हैं उनके पास 50-50 गाड़ियाँ अभी आप देखेंगे तो ये लोगों के नेता गाड़ी से उतर के प्रचार कर रहे हैं हम लोग जानते हैं कि एक स्टूडेंट का कॉमन स्टूडेंट का क्या इशू है चाहे वो बस स्टैंड पे जो एसी बसेस के अंदर हमारा कॉमन डीटीसी पास नहीं चलता उसका इशू हो या मेट्रो पास सब स्टूडेंट को मिले वो एक इशू हो कंसेशन पास मिले तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं कैंपस में अगर हम लोग आएंगे तब भी हम लड़ेंगे अगर हम नहीं आएंगे तब भी हम लड़ेंगे लेकिन हम इस बार पूरा कॉन्फिडेंस है कि छात्रों के लिए कॉमन स्टूडेंट का जो आवाज़ है वो ऐसा ही है और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्प्लीटली फेल्ड है और मैं एक और इशू को एड्रेस करना चाहूँगी कि जो चाय के ऊपर यहाँ पर पूरा विवाद चला था कि आप 21 लाख रुपये का इन लोगों ने घोटाला किया उसमें सिर्फ एबीवीपी ने अकेले नहीं किया एनएसयूआई के लीडर मोहित गरीब का जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनका भी उस पर साइन था तो पूरा हिपोक्रेसी आप दोनों मिलके स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस बार कॉमन स्टूडेंट मान चुका है कि जो भी रामजस में हुआ जिसकी एनएसयूआई द्वारा भी कोई कड़ी निंदा नहीं की गई और एबीवीपी अभी खुद कैमरा की ऑन कैमरा पे ये बोल रहा है कि अरे आप ये करेंगे तो हम आपको पीटेंगे यही लोगों ने पीटा है ना स्टूडेंट्स को महामेधा का पिक्चर है पीटते हुए और आज वो टिकट होल्डर टिकट सीकर है हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि आप पीटने के लिए आपको किसी ने एजेंसी ने बोला नहीं है हमारे यहाँ पर देश में कानून है कॉन्स्टिट्यूशन है कानून के ऊपर हम लोगों को विश्वास है मेट्रोपॉलिटन जज ने अभी ये बयान दिया है कि कोई डॉक्टर्ड वीडियोस के चलते आप किसी पे सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते जो इन लोगों ने डिमांड किया था लेकिन ऑन कैमरा पे मारते हुए फोटोज इन लोगों का ज़रूर है तो हम कॉमन स्टूडेंट के साथ खड़े हैं हम फिटे भी हैं लेकिन हम लोग मानते हैं कि इस बार स्टूडेंट्स वायलेंस को रिजेक्ट करेगा और एक कड़ा तमाचा इन दोनों संगठन के मुंह पर मारेगा शुक्रिया थैंक यू कवल अगर एक संक्षिप्त में जवाब दीजिए एनएसयूआई में ऐसा क्या है मैनिफेस्टो में या पार्टी में अगर आ जाती है डूसू में
तो क्या करेगी जो एबीवीपी और आईफा नहीं करेगी? ठीक है, बहुत सबसे पहले उन्होंने जो सबसे बड़ा झूठ था कि एन एस ओ ने आज तक कुछ भी नहीं करा है, वो भूल चुके हैं कि डी यू में जो आखिरी हॉस्टल बना था राजीव गांधी अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल, उसकी नींव भी एन एस ओ ने 2005 में रखी थी। उस टाइम पे अमृता धवन जी नेशनल डूसू प्रेजिडेंट थी और उसका इनोग्रेशन भी 2013 में एन एस ओ ही नहीं करा था। लेकिन आज तक कोई भी आईसा के लोग तो देखो कभी डूसू जीते ना तो उन्हें खैर पता नहीं है। अगले झूठ जो उन्होंने बोला कि मोहित गेड ने उस बजट पे साइन करा है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे जॉइंट सेक्रेटरी, द ओनली साइनिंग पावर इन डूसू इज द प्रेसिडेंट ओनली एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बजट को वहाँ पर पहली बार पास करता है, उनको रूल का पता नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि आज तक आईसा और एबीपी और एनएसए फेल हो चुका है, आज तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितना बड़ा जॉब फेयर कभी किसी ने इतिहास में करवाया जो 2013 में एनएसओ ने करवाया था, जिसके अंदर 5500 से भी ज़्यादा बच्चों की नौकरी लगाएगी और 3000 से ज़्यादा इंटर्नशिप करवाएगी। ऐसा जॉब फेयर कभी इतिहास में नहीं हुआ है। एक नेशनल लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन हम लोगों ने करवाया था और जो वुमेन कॉन्स्टेबल की तैनाती थी जो हर कॉलेज के बाहर बैठते थे वो हम लोगों ने करवाई। चाहे आज बेशक मोहित गेरेट इकलौती हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे डूसू में, लेकिन फिर भी हमने सीसीटीवी का टेंडर जो पास करवाया, आप लोग देख रहे हैं 22,000 सीसीटीवी कैमरे सिर्फ नॉर्थ कैंपस में लगे हैं। अगली बात जो उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा जो ये बजट 22 लाख वाला सबसे पहले बाहर आया था, ये आरटीआई मैंने खुद लगाई थी और मैं उस बजट को लेकर आया था। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा कि आम स्टूडेंट बस में ट्रैवल करता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया है। 7 U स्पेशल बस चलवाई गई थी, 7 U स्पेशल बस, लेकिन आज एक भी ऐसी बस क्यों नहीं चल रही है? क्यों ऐसा कभी मांग नहीं करता अरविंद केजरीवाल से जाकर? क्योंकि वो उनकी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। क्यों ये लोग एबीपी के लोग क्यों कभी जाके यू स्पेशल बस की बात नहीं करते हैं? क्यों ये लोग हॉस्टल की बात क्यों नहीं करते हैं? हमने वो यू स्पेशल बस चलवा के दिए हैं। हमारा काम, हमारा इतिहास, हमारा गौरव है, हमने प्रूव करके दिखाया है। और जो हमारी नई चीज़ें हैं वो हमने अपने कैंपेन टेक बैक डीयू में हम लोगों ने बिल्कुल सामने ले, हम लोग लेके आए हैं। 95 एकड़ लैंड जो डीयू में खाली पड़ा है, जहाँ पर दिल्ली में आज कुछ भी नहीं बना हुआ है, इस बात को सच हम आपके सामने लेके आए हैं। ये आईसा ने नहीं करा, एबीपी ने नहीं करा। हॉस्टल का लास्ट हॉस्टल बनवाने वाली बात रही हो, मेट्रो में कंसेशन मांगने की बात रही हो, यू स्पेशल बस चलवाने की बात रही हो, आप लोगों के कैरियर की बात करने की बात रही हो, ये दो एक्सट्रीम पार्टियां जिस तरीके से पूरे जेएनयू को एक माहौल खराब कर चुकी है, वो सेम कार्ड डीयू में है। आज मैं लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ, मुझे टेंशन इस बात की कि जब मैं पहली बार ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ फैकल्टी में, और लॉ फैकल्टी जब मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या मेरी जॉब लगेगी, क्या मेरा प्लेसमेंट होगा? मुझे डर इस बात का है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहाँ पर कौन लोग हैं जो आपस में डिबेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है वीर सावरकर, कोई कह रहा है लेनिन, हम इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना भविष्य चाहिए, मुझे चलने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, मुझे यहाँ पर पार्किंग स्पेस चाहिए, मुझे अपना कैंपस साफ चाहिए और मेट्रो और बस मुझे चाहिए। हम लोग इस चीज़ की मांग करते हैं और बहुत बहुत छोटी सी डिमांड है और बहुत संक्षिप्त में हमने अपनी ये डिमांड है टेक बैक डीयू में अपने कैंपेन में हमने डाली। थैंक यू। आप क्या बहुत संक्षिप्त में बताइए एबीवीपी का क्या होगा जब अगर डीयू में आएगी? एबीवीपी लगातार जो पिछले सालों से जीतता आ रहा है, तो हमने लगातार जो भी मुद्दे उठाए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑल द बेस्ट उसको कोई ना कोई पूरा किया है, ऐसा नहीं है। और विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट ऐसे ही नहीं मिल रहा है कि बहुत सारा भारी समर्थन मिल रहा है, तो विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम करता है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो उसको विद्यार्थी परिषद ने सीरियसली उठाया है, चाहे प्रिंटेड मार्कशीट का मुद्दा हो, हमारे लोगों ने डूसू के लोगों ने घंटों भूख हड़ताल करके उसको प्रिंटिंग मार्कशीट को लेके आए। और जो हमारे आने वाले जो हमारा मैनिफेस्टो में मुद्दा है कि यू स्पेशल बसेस चलनी चाहिए, 2015 में जब मैं बात करूँगा कि जब केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कुछ दिन के लिए यू स्पेशल बसेस चलाई और फिर उसको मतलब चुनाव हारते ही उसको हटा दिया गया। तो इस चीज़ के लिए लेके हमने कई बार केजरीवाल जी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, उनको कई बार मतलब लेटर भी लिखे। तो एबीवीपी लगातार इस चीज़ को उठाता रहा है, प्रोटेस्ट करने वाली बात हो या फिर कोई भी, अब ये चाय वाला मुद्दा जो उठा था, इनको मैं बता दूं कि विद्यार्थी परिषद ने लगातार छात्र हितों के लिए काम किया है। जैसे कि कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो या फिर कोई भी विद्यार्थी परिषद के जो डूसू के डूसू बेरर्स हैं, उन्होंने काफ़ी काम विद्यार्थियों के लिए किया है, तो इसलिए हमको भारी समर्थन मिल रहा है। और ये लोग इस चीज़ से बौखलाए हुए हैं, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आने वाले इस चुनाव में 12 तारीख को जो 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी हम जीतेंगे और कैंपस दोबारा से भगवा में होगा। तो विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद।
तो ये देख सकते हैं हम जिस तरह से हमने आपको कुछ दिन पहले, आज से ठीक एक हफ्ते पहले जेएनयू चुनाव में प्रेसिडेंट का एक डिबेट दिखाया था। हम देख सकते हैं किस तरह से जेएनयू और डीयू का चुनाव बहुत ही अंतर है उन दोनों में, जहाँ पे वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ जो बातचीत होके जो चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ डीयू में बहुत सारा मनी मसल का बात हुआ, फ्लैक्स का बात हुआ, बोर्ड्स का बात हुआ, और भगवा और लाल के बीच में एकदम बोल के डिबेट हुआ है। और लोग बोल रहे हैं कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो एबीवीपी है वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, लेफ्ट पार्टीज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, एनएसयूआई ने अपना मैनिफेस्टो हम सबके सामने रखा है। आने वाला चुनाव डीयू का जो कल है, जेएनयू चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। और इसी के साथ द वायर हिंदी के साथ मैं सृष्टि, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।